की वर्षा कर रहे हैं। इस सिवान जनपद के गौरव बाबू आलोक पांडे जी आज कथा में उपस्थित भए हैं। आसपास क्षेत्र से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं बहने, हमारी अपनी बाल मंडली, प्रभु चारों भैया ससुराल में है। जब विदा की बात आई तो मिथिला के लोग भगवान को जाने नहीं देना चाहते। अरे कौन होगा जो राम जी को भेजना चाहेगा हो। सखियां राम जी से कहती हैं, अरे ए पहुना एही मिथिले में रहुना, ए पहुना जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, पवन सुखवा कहुना ए पहुना ए मिथिले में रहुना, ए पहुना लक्ष्मण जी कहे हम मिथिला में क्यों रहेंगे, क्या हमारे पास अपना घर मकान नहीं है। सखियों ने कहा, लक्ष्मण जी यदि आप लोग यहां रुकेंगे तो आपका बड़ा लाभ होगा। लक्ष्मण जी बोले कैसा लाभ होगा। सखियों ने कहा देखिए आपके भैया कितने करिया हैं, यदि राम जी यहां रुक गए तो हम लोग रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाई बहो, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाई बहो, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाई बहो, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाई बहो। और एक महीना के भीतरे करिया से गोर बनाइब हो, एक महीना के भीतरे करिया से गोर बनाइब, झूठ कहत ना पानी तनिको आ, झूठ कहत ना पानी तनिको मौका एको दे होना, ए पहुना ए मिथिले में रहुना, ए पहुना ए मिथिले में रहुना। लक्ष्मण जी कहें ये तो भैया का लाभ, हमार लाभ भैया रहेंगे तो एक महीने में करिया से गोरे हो जाएंगे, मैं रहूंगा तो मेरा क्या लाभ होगा। यहां पर सखियां कहती आपको नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, आरे नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, स्वाद भूखी बढ़ी जाई सुनी साली सरहज के गारी हो, स्वाद भूख बढ़ी जाई सुनी साली के गारी, बीच बीच में कर बचिरौरिया, बीच बीच में कर बचिरौरी और कुछ ले होना,
पहुनाए मिथिले रघुना लक्ष्मण जी कहे भैया यहाँ बहुत लाभ है यही रहा जाए। तब तक भरत जी आ गए कहे ई दोनों भाई के लाभ हो गए हम दोनों भाई घलुआ में थोड़े आज बनी जाए हमनी के का लाभ हो जा रुकला पर। सखिया कहती यदि आप दोनों भैया रुकेंगे तो आपके लिए कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाई बहो कमला बिमला दूध मती में मिथिला की नदियां हैं ये अरे कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाई बहो कमला बिमला दूध मती में झिझरी रोज खिलाई सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलाई बहो सावन में कजरी गागा के झूला रोज झुलाई और वही में पवन देव से करबनी होरा पवन देव से करबनी होरा हौले हौले बहुना ए पहुना मिथिले में रहुना ए पहुना मिथिले में रहुना हमर निहोरा रघुनंदन से मानिया ना मानी मानिया ना मानी अरे मानिया ना मानी हमर निहोरा रघुनंदन से मानिया ना मानी मानिया ना मानी अरे मानिया ना मानी पर ससुरारे के नाते परताप के आपन जानी परताप के आपन जानी परताप के आपन जानी या मिथिले में रही जइयो या मिथिले में रही जइयो या संग अपने रख ले होना आनंद विदेह नगर में जो आनंद विदेह नगर अरे देह नगर में कहुना ये पहुना मिथिले में रहुना ये पहुना मिथिले में रहुना ये पहुना अबरुआ सब है बताई इतना प्यार से कहू रोकी तो जाए के मन करी है। मिथिला में आज भी ऐसी मान्यता है हम लोग जब मिथिला क्षेत्र में कथा गाने जाते हैं तो विदाई की कथा नहीं गाते हैं। मिथिलावासी कहते हैं कि राम जी विवाह करने आए थे उसके बाद हमने अपने दुल्हा सरकार को जाने ही नहीं दिया न भगवान अयोध्या जाएंगे न उनका वनवास होगा भगवान को हम घर जमाई बनाकर मिथिला में ही रोक लिए। परंतु एक बात सदैव जीवन में स्मरण रखिएगा जिस मनुष्य को अपने कर्तव्य का बोध रहता है उसे कोई रोक नहीं सकता। कर्तव्य बोध जिसके पास है वो कर्तव्य उसको रुकने नहीं देता बाध्य करके लेकर जाता है। आप दर्शन करिए
राम जी चक्रवर्ती जी महाराज के कहने पर अपनी सासू मैया सुनैना जी से विदा मांगने गए। तो राम जी गए, जाकर राम जी सुनैना जी से ये नहीं कहते कि पिताजी जाना चाहते हैं, क्या कहा, राऊ अवधपुरा चाहता सिधाए विदा होन हम यहाँ पठाए। राम जी कहते हैं माँ पिताजी जाना नहीं चाहते, अयोध्या के महाराज जाना चाहते हैं। अयोध्या के सिंहासन पर जो राजा बैठा है उस राजा का कर्तव्य बोध उसको जाने के लिए बाध्य करता है। हम तो इतना प्यार मिल रहा है, हम जाना नहीं चाहते मां, परंतु महाराज जो है अयोध्या के, वो महाराज जाना चाहते हैं। राम जी विदा मांगे, चारों भाइयों के साथ बारंबार भगवान सासू मैया को प्रणाम करते हैं। जनक जी महाराज ने चारों बेटियों को हृदय से लगाया है, सुंदर पालकी सजाकर जनक जी महाराज ने बारात को विदा किया। थोड़ी दूर जनक जी पहुंचाने गए, थोड़ी दूर जाने के बाद श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने रथ से उतरकर जनक जी से कहा कि बहुत हो गया, अब आप वापस जाइए। जनक जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज करौं कवन विधि विनय बनाई महाराज मोहि दीन बड़ाई। जनक जी बार बार ये बात कहते हैं दशरथ जी से कि महाराज मैं बना करके नहीं कह रहा हूं, किस मुख से मैं आपकी प्रशंसा करूं, आपने मुझे अपना समधी बनाकर मेरी बिटिया को स्वीकार करके और आपने इस छोटे जनक को भी सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है, आपसे संबंध होने के बाद मैं भी बड़ा बन गया हूं। दशरथ जी सुने तो कहें महाराज आप उचित नहीं बोल रहे हैं, आपने अपनी बेटियों को दिया है, मैंने आपकी बेटियों को लिया है, और जनक जी जगत जानता है कि लेने वाले से देने वाला सर्वकाल बड़ा रहता है, आप पहले से बड़े हैं क्योंकि आपने दिया है। अब यहां समझिएगा, श्रेष्ठ जीवन यही है माई बाप, जो अपने आप से किसी को छोटा ना समझे, जो सब में बड़प्पन का दर्शन करे वो बड़ा व्यक्तित्व है। यहां परस्पर महाराज जनक और श्री चक्रवर्ती जी महाराज एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। विदा के समय राम जी चारों भैया जनक जी महाराज को प्रणाम करते हैं, पिता सम जानकर, ससुर है ना, पिता तुल्य जानकर प्रणाम करते हैं। जनक जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, अब दर्शन करिए। जनक जी महाराज जब आशीर्वाद दे दिए, उसके बाद यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जनक जी महाराज ने राम जी के आगे हाथ जोड़ लिया। राम जी बोले आप मेरे सामने हाथ जोड़े हैं? जनक जी बोले राम आप दामाद मानते हैं अपने आप को, इसलिए आपने मुझे प्रणाम किया, परंतु अब जो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है वो आपका ससुर नहीं है, भगवान के सामने उसका भक्त हाथ जोड़ के खड़ा है। मैं आपको भगवान मानकर राम आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। राम जी बोले यदि आप मुझे भगवान मांग के मांगना चाहते हैं तो मांगिए। जनक जी ने यही कहा प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, बार बार मांगो कर जोरे मन
परिहर चरण जनि भो रे। जनक जी कहते प्रभु एक आशीर्वाद दीजिए, अब आज के बाद जब तक शरीर में प्राण है मेरे मन से आपके चरणों का कभी विस्मरण न हो पाए, प्रभु सर्वकाल मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप दर्शन करिए, निराकार को मानने वाला साकार में फंस रहा है। जनक जी महाराज निर्गुण ब्रह्म में अवस्थित रहते थे चिंतन में, और निर्गुण में भी मन तभी तक लगता लगा हुआ है जब तक साकार का दर्शन नहीं हो रहा है। एक बार भगवान दिखाई पड़ जाएंगे ना हो तो सारा निर्गुण ब्रह्म ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और मन साकार स्वरूप में फंस जाएगा। प्रभु ने जनक जी को आशीर्वाद दिया, विदा किया है, बरात लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्रीधाम अयोध्या आए हैं। माताओं ने भव्य स्वागत किया है चारों बहुओं का, बेटों का। सारे बराती दंड प्रणाम करके न्योछावरी बधाई प्राप्त करके अपने अपने घर गए हैं। रात्रि में श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज, एक प्रजाति है भांट, आपके घर में जब कोई मंगल कार्यक्रम हो तो मंगल कार्यक्रम के समय रात्रि बेला सायं बेला में कुछ लोग आते हैं और जय जयकार लगाते हैं, बिरदावली गाते हैं, प्रशंसा करते हैं। भांट, भांट का काम है बिरदावली का गान करना। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भांट बिरदावली गाते हैं उसी प्रकार श्री चक्रवर्ती जी महाराज जनक जी की बिरदावली गा रहे हैं। अब यहां दर्शन करिए, कथा कहती है कहीं से भी लौट कर आया जाए तो जितना हो सके वहां की प्रशंसा करने का स्वभाव बने। कमी किसके घर में नहीं है हो, लेकिन जिसको हम अपना मान लेते हैं वहां कमी नहीं दिखाई पड़ता, और जिसको पराया मान लेते वहां कोई अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती। बहुत पहले की एक बात कहूं मैं जब छोटा था तो कलकत्ता में एक अखबार में एक लेख पढ़ा मैंने, इस कथा को मैं बार बार अवसर मिलने पर सुनाने का प्रयास करता हूं। एक व्यक्ति कहीं से भी भोजन करके जब आता था घर न तो बड़ी प्रशंसा करता था, पत्नी को बच्चों को यही सुनाए, अरे क्या भोजन कराया, ये था वो था, ऐसा स्वाद था, ऐसी मिष्ठान, ऐसा भव्य, खूब प्रशंसा करे। घर वाले सोचे अकेले अकेले जाके पा लेते हैं और आके सुना के हम लोग को और जलाते हैं, और जब भी भोजन करके आवे वो आदमी तो ऐसे ही बोले। एक बार कहीं से निमंत्रण था तो पूरा परिवार बोला हम भी चलेंगे, आज नहीं मानेंगे आज हम भी चलेंगे छप्पन भोग पाने। लेकर गए और दैव बस कहे, हरि इच्छा कहे, उस दिन ठीक से पूरी भी नहीं मिला। घर वाले तो गए थे छप्पन भोग मिलेगा, मालपुआ मिलेगा, हलवा मिलेगा, ऐ खूब चकाचक आनंद होगा। उस दिन ठीक से आलू की सब्जी पूरी भी नहीं मिली, उस पर भी मार था वहां, आधे पेट सब खा के लौटे। अब परिवार वाले तो एकदम क्रोध में, घर पहुंचे तो जाते सब बरस पड़े, बच्चे अलग बोले, पत्नी अलग बोले, यही छप्पन भोग खाते हैं आज पता चला हमको, झूठी प्रशंसा करते हैं आप। बेचारा सुनता रहा। रात्रि में पत्नी ने पूछा, ये बताइए आप कहीं से भी आते हैं तो झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं, सत्य सत्य क्यों नहीं बताते कि ये पाया, बताइए हम लोग क्या क्या सोच कर गए थे और क्या मिला देखने को वहां। उस व्यक्ति ने कहा, भाग्यवान मैं जिसके घर भोजन करके आता हूं उसका नमक खा लेता हूं, और आप ही बताओ किसी का नमक खा के उसकी बुराई किस मुख से करूं मैं, इसलिए केवल प्रशंसा करता। इस कहानी ने मुझे इतना स्पर्श किया उस समय। स्वभाव बनाइए, कहीं से भी आया जाए तो वहां की प्रशंसा की जाए।
श्री चक्रवर्ती जी महाराज दर्शन करिए। जाना का राज गुण शीला बड़ाई प्रीति रीति संपदा सुहाई। जनक जी महाराज का गुण, उनकी शीलता, उनका बड़प्पन, उनकी प्रेम करने की रीति, उनकी संपत्ति, इन सब का वर्णन बहुविधि भूप भाट जिमी बरनी रानी सब प्रमोदित सुनि करनी बहुविधि भूप। अनेक प्रकार से महाराज भाट की तरह बिरदावली गाते हैं। आप दर्शन कर उस दृश्य की कल्पना करिए। चारों भैया भी छोटे छोटे हैं, बहुएं छोटी छोटी हैं। राम जी चारों भाई और चारों मैया हाथ जोड़कर माताओं एवं पिताजी के सामने बैठे हैं। छोटे छोटे हैं, अभी यात्रा से आए हैं तो थके भी हैं, लेकिन संस्कार देखिए। पिताजी बैठे हैं तो सब लोग हाथ जोड़कर बैठे। महाराज दशरथ रानियों से कहते हैं, देखो बहु लरिकनी आए है, बहुएं अभी लरिका हैं, पर घर से आई राखे हो नयना पलक की ना। महाराज कहते हैं कि बहुएं अभी लरिका हैं, पर घर आई, पर घर आई अर्थात पराए घर में नहीं आई हैं, अब तक पराए घर में थी, ये अब इनका अपना घर है। पर घर से आई, जिस प्रकार पलके नेत्र की रक्षा करती है। उदाहरण देखिए आप गोस्वामी तुलसीदास जी का। तनिक भी खतरे का आभास होता है, पलके तुरंत आंखों को बंद कर लेती है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो घर में खेल खेलते थे, सामने बिठा देते थे, कहते थे डरोगे नहीं ना, कहते नहीं डरेंगे। जंगल में गए, शेर आया और सिर दहाड़ा तो जैसे ताली बजाते थे, आंख झप जाती थी, बोले डर गए तुम हार गए। तनिक भी खतरे का आभास होता है तो पलके आंखों को बंद कर लेती हैं। महाराज दशरथ रानियों से कहते हैं, बहुएं अभी लड़िका हैं, पराए घर से आई हैं, जिस प्रकार पलके नेत्र की रक्षा करती हैं, आप इन बहुओं की रक्षा करिएगा। राम जी चारों बहुएं हाथ जोड़कर बैठे हैं, उसी में सब लोग जम्हाई ले रहे हैं। चक्रवर्ती जी ने जब दृश्य देखा तो रानियों से महाराज कहते हैं, लड़िका श्रमित उनी दबस अब सयन कराओ जाई अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चितला। महाराज कहते हैं कि बच्चे थके हैं, श्रमित हैं, उनीद बस नींद में हैं, जम्हाई ले रहे हैं, अब जाकर आप लोग इनको शयन कराइए। ऐसा कह के राम जी के स्वरूप को हृदय में धारण करके श्री चक्रवर्ती जी भी सोने चले गए। देखिए मां की दृष्टि में उसकी संतान सदैव कमजोर ही बनी रहती है। माँ को लगता है कि हमारा लड़कवा कुछ खात पियत नहीं है, कमजोर हो गया है। हमारी माई फोन करती है तो खाली एक बात पूछती है, दूध मिले लहा, ठीक से भोजन वोजन मिले लहा। यहां कौशल्या मैया
राम जी से एकांत में कहती है, राम क्या तुम्ही ने धनुष को तोड़ा था, तुम्ही ने ताड़का को मार दिया, विश्वास नहीं हो पा रहा है। यहां एक बड़े अच्छे साधक भय बक्सर के प्रातस्मरणीय पूज्य प्रताप चंद्र सिन्हा जी, जिनका अभी भजन हमने सुनाया आपको, ए पहुना मिथिले में रहुना, उन्हीं की रचना है। प्रताप चंद्र सिन्हा जी, उन्हीं की रचना। मैया कौशल्या कहती हैं, मेरो लाला अरे बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं वारे वारे, मेरो लाला बड़ो भगवान की भुजाओं को देखती हैं। अंग सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस पुष्प जैसे आपके अंग हैं, अंग पर सुमन सरिस सब अंग अंग पर, सुमन सरिस सब अंग कोमलता बलिहार, निहार जाऊं बारे बारे, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारे बारे। बार बार निरखत प्रभु बहिया, 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 और मन आचरज अपार, निहार जाऊं बारे बारे, मेरो लाला बड़ो सुकुमार। कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए कैसे उठा लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु, हे राम झेले इतना भार, निहार जाऊं बड़ो सुकुमार। राम प्रबल ताड़ का और सुबाहु, 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 कैसे कियो संहार, निहार जाऊं बारे बारे, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारे बारे। मुझे तो लगता है गुरु जी की कृपा से हुआ सब, जानी परत गुरु कृपा दृष्टि से, 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 हो गयो संकट पार, निहार जाऊं बारे बारे, मेरो लाला बड़ो सुकुमार।
मुदित प्रताप मगन सब माता, मुदित प्रताप मगन सब माता, मुदित प्रताप मगन सब माता, मुदित प्रताप मगन सब माता। आरती रही है उतार बिहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, बिहार जाऊं बारी बारी, मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी, निहार जाऊं अद्भुत भाव है वो। मां कहती है राम मुझे तो लगता है जानी परत गुरु वशिष्ठ भगवान उनकी कृपा दृष्टि से, अरे हो गयो संकट पार, निहार जाऊं वारी वारी। यहां कौशल्या मैया राम जी से कहती है, राम जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंची जनु पार माँ कहती है राम जी से कि राम ब्रह्मा जी से स्पष्ट कह देना कि जिस दिन से विश्वामित्र जी आपको लेकर अयोध्या से गए हैं उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं, ब्रह्मा जी से कह देना राम कि ब्रह्मा जी उतने दिनों को हमारी आयु में न गिनेंगे। राम जी बोले ऐसा क्यों माँ? माँ कौशल्या कहती है, राम जो दिन तुमको देखे बिना निकल गए हो उस दिन का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वो दिन तो व्यर्थ चला गया। इसलिए आपको देखे बिना जितने दिन निकले हैं वो हमारे आयु में न गिने जाए। ते बिरंच जनि पा रही लेखे, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे। राम जी मुस्कुराए हैं, चारों मैया माताएं सासू माताओं के पास विश्राम करती हैं। प्रातः काल विवाह के संबंध जो धागा बांधा जाता है कंकण, शुभ मुहूर्त देखकर कंकण छुड़ाया गया। विश्वामित्र जी श्रीधाम अयोध्या जी में बारात के आने के बाद एक सप्ताह रुके रहे। एक सप्ताह के बाद विश्वामित्र जी ने श्री चक्रवर्ती जी महाराज से विदा मांगा, और जब विश्वामित्र जी विदा मांगे तो दर्शन करिए, महाराज दशरथ पूरे परिवार के साथ सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर महाराज कहते हैं, मुनिवर नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं से समेत सुत नारी। महाराज कहते हैं, प्रभु मेरी पूरी संपत्ति आपकी है, आपकी है अर्थात आपकी कृपा की प्रसादी है, मैं मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, हम सब आपके श्री चरणों के सेवक हैं। मुनिवर एक प्रार्थना है मेरी। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मुनिवर मैं चौथे पन में हूं, क्या पता कल ये दशरथ रहे कि न रहे, मेरी आपसे एक ही विनती है, जब मैं न रहूं इस धरती में तो मेरे न रहने के बाद भी जैसे अब की बार आपने कृपा की इसी प्रकार करब सदा लड़िकन पर छो, इसी प्रकार आप मेरे बच्चों पर भी कृपा बना के रखिएगा, और जब तक मैं जीवित हूं
दर्शन दे रहा मुनि मोह।